1980 एक कनाडा हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसमें प्रियंका उपेंद्र मुख्य भूमिका में है। कहानी घरेलू माहौल में घूमती है और प्रियंका उपेंद्र प्रिया का रोल प्ले करती हैं, जहां प्रिया अपने पति और बेटे के साथ एक पुराने हवेली में शिफ्ट हो जाती हैं। हवेली में 1980 में हुए कुछ रहस्यमय घटनाएं छुपी हुई हैं, जिनकी वजह से वहां बहुत प्रेत का माहौल है। ये फिल्म एक सस्पेंस और डर से भरी कहानी है जो देखने के बाद आपको हैरान और चकित कर देगी। कहानी शुरू करते हैं, हम देखते हैं प्रिया और उसके पति और बेटा एक साथ बैठे होते हैं और प्रिया का पति चाय पीते पीते प्रिया को कहता है विदेश वापस लौटने का, और उस बात पर प्रिया नाराज होती हैं क्योंकि नए घर में शिफ्ट हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और प्रिया का हस्बैंड बिजनेस के सिलसिले में विदेश जाना चाहते थे। प्रिया का हस्बैंड प्रिया को मनाने की कोशिश करता है और उसे कल एक सरप्राइज भी दूंगा कहता है, लेकिन प्रिया नहीं सुनती हैं और रूठ कर घर के अंदर चली जाती हैं। दूसरे दिन प्रिया का हस्बैंड रेडी होता है और इधर प्रिया अब भी नाराज रहती हैं। टेलीफोन कनेक्शन करने वाला एक आदमी आके कहता है कि मैं दूसरे दिन आपके टेलीफोन कनेक्शन करवा के दूंगा। ये बात सुनते ही प्रिया घर के अंदर देखने जाती हैं। दरअसल प्रिया के हस्बैंड ने प्रिया को टेलीफोन गिफ्ट किया है और प्रिया टेलीफोन देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने हस्बैंड के पास आकर सॉरी कहती है और अपने हस्बैंड को केयरफुली जाने को कहती हैं और अपना ख्याल रखने को कहती हैं। अब रात होती है, प्रिया बैठे बैठे एक नॉवल लिख रही थी। दरअसल प्रिया एक राइटर है। अचानक से आसमान में बिजली बहुत जोर से कड़कती है और घर के ऊपर एक चमकदार बिजली की तार घर के अंदर जाते हुए देखते हैं और इधर प्रिया का बेटा डर से उठ जाता है। घर में बिजली चली जाती है, पूरा घर बहुत अंधेरा हो जाता है, घर एक डरावनी जैसा माहौल बन जाता है और घर के आसपास एक आदमी को कुछ कर रहा है ऐसा लगता है। तभी प्रिया का बेटा बंटी को खिड़की के पास एक आदमी को देखकर बहुत डर जाता है। प्रिया बंटी की चिल्लाने की आवाज सुन के लैंटर्न लेके पास आती हैं और उसे पूछती हैं तो खिड़की के पास किसी को देखने के बात करता है, लेकिन प्रिया को वहां कोई नहीं दिखाई देता है। अचानक कमला प्रिया के सामने आ जाती हैं जिससे प्रिया डर जाती हैं। फिर सुबह होती है, प्रिया नॉवेल लिखने बैठती हैं लेकिन उसे नॉवेल लिखने के लिए कोई थॉट नहीं मिल रहा था। तभी प्रिया नीचे घर के नौकर को एक कांस्टेबल से बात करते हुए देखती हैं। फिर प्रिया नीचे जाकर उस नौकर सुभाष से पूछती हैं कांस्टेबल यहाँ क्यों आया था। तब सुभाष कहता है कल एक औरत गायब हुई है, उसी के बारे में पूछने आए थे, उस औरत से पहले भी 2 लोग गायब हुए थे। प्रिया सोचती है शायद उस जगह से उसे कोई आइडिया मिल जाए नॉवल लिखने के लिए, इसलिए वो सुभाष को कहती है उस जगह ले जाने को, लेकिन सुभाष डर के मारे मना कर देता है। फिर प्रिया को एक अनजान लड़के का कॉल आता है और वो लड़की प्रिया से किसी व्यक्ति के बारे में पूछती है। प्रिया पहचानने से मना करने पर प्रिया से बदतमीजी से बात करती है, जिस पर प्रिया गुस्सा होकर फोन कट कर देती है। फिर प्रिया बंटी के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। तभी एक आदमी आता है और प्रिया से टेलीफोन कनेक्ट कर दिया कहता है। तब प्रिया कहती है कि थोड़ी देर पहले उसे एक कॉल आया था। उस बात पर टेलीफोन कनेक्शन करने वाला ऐसा नहीं हो सकता कहता है। उसके बाद प्रिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है कि बिना कनेक्शन के फोन कैसे आया। अब रात होती है, एक आदमी साइकिल के सवारी होकर उसी जंगल से गुजर रहा था जहाँ से लोग गायब होते थे। वो आदमी थोड़ी देर के लिए साइकिल से उतर कर बीड़ी पीने लगता है, उतने में एक अनजान मास्क लगाया हुआ व्यक्ति वहाँ आता है और उस आदमी को मार डालता है। फिर सुबह होती है, प्रिया अपने पति के कॉल पर बहुत खुश होकर बात करती हैं। इधर उसी जगह पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं जहां से वो साइकिल वाला आदमी गायब हुए थे। इंस्पेक्टर लोगों से पूछताछ करते हैं, छानबीन करते हैं, लेकिन इंस्पेक्टर को कोई क्लू नहीं मिलता है। रात होती है, कोई अनजान व्यक्ति प्रिया के फोटो दीवार में लगा के निहार रहा था। अब ये कौन है, किसके लिए प्रिया के फोटो दीवार में लगाया है, क्या प्रिया भी गायब होने वाली है, इसका पता मूवी के आखिर तक पता चलेगा। वीडियो को पूरा देखें और मूवी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट्स करें, आप लोगों के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है। अब सुबह होती है, प्रिया अपने बेटे को खाना खिलाती है, फिर बंटी को प्यास लगती है और प्रिया घर के अंदर से पानी लाती है। तब बाहर बंटी कहीं पर भी नहीं था, जिससे प्रिया घबरा जाती है और इधर उधर ढूंढने पर बंटी एक अनजान आदमी से बातें करते देख लेती है। प्रिया नाराज होकर बंटी को उस आदमी से दूर करती है। तब वो आदमी प्रिया को कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक राइटर हो और तुम्हारा पति दुबई में रहता है और तुम अकेली रहती हो, ऐसा कहकर प्रिया से पलट करने की कोशिश करता है। तब प्रिया उसे थप्पड़ मार देती है और वहां से बंटी को लेकर चली जाती है। अब प्रिया को फिर से उस लड़की का कॉल आता है और प्रिया को मुसीबत में हूँ ऐसा कहकर डराती है और अजीब अजीब बातें करती है। प्रिया घबरा कर उससे एड्रेस पूछती है, लेकिन वह लड़की अचानक हंसने लगती है। प्रिया उसे डांटने पर लड़की कहती है मुझे दिन में किसी से भी फोन पर बात करने की आदत है,
बिना बात किए मैं रह नहीं सकती, इसलिए प्रिया से कहती है कि तुम मुझसे फोन पर बात किया करो। प्रिया को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में प्रिया उस लड़की से खुल मिल जाती हैं और बातें करने लगती हैं। ऐसे ही प्रिया उस लड़की से रोज बातें किया करती हैं। अब नेक्स्ट सीन में प्रिया नॉवल लिखने के लिए उसी जगह पर जाती हैं और फोटो शूट करती हैं। तभी वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर आता है और प्रिया को ये जगह सेफ नहीं है कहता है और घर लौटने का कहता है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन आकर सोचने लगता है कि आखिर लोग कैसे गायब हो रहे हैं। तभी उसने एक चीज नोटिस की और कैलेंडर देखता है और सभी कांस्टेबल को बुलाकर बताते हैं कि किलर हर मंथ के एक फिक्स डेट को मर्डर करता है, यानी आज वो डेट है जिसमें आज कोई गायब होने वाला है, तो तुम सभी उसी जगह पर पहरेदारी करो। फिर रात होती है, सारे कांस्टेबल उसी जगह में डर डर के पहरेदारी करने लगते हैं। तभी उसी मार्क्स वाले आदमी को एक कांस्टेबल देख लेता है और पीछा करने पर वही रोमियो आदमी दिखाई देता है जिसे प्रिया ने थप्पड़ मारा था। उसके बाद उस लड़के से कांस्टेबल पूछते हैं कि तुम इस दंगल में क्या कर रहे हो। तब वो लड़का बताता है वो मूवी देखकर लौटते वक्त उसे एक मास्क लगाया हुआ एक आदमी उस पर वार कर देता है, जिस पर वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सुबह होता है और प्रिया को जानवी रोज की तरह कॉल करती है और कहती है उसे आज उसके बॉयफ्रेंड मिलने आ रहा है। उसके बाद जानवी एक सॉन्ग गुनगुनाती है जिसे देख प्रिया स्ट्रेंज हो जाती है, क्योंकि जानवी जो सॉन्ग गुनगुना रही थी वो सॉन्ग प्रिया अपने बेटे को सुनाती थी। प्रिया जानवी से पूछती है कि उसे वो सॉन्ग कहाँ से सुना। अब जानवी कहती है वो सॉन्ग उसे उसके पापा सुनाया करता था, और प्रिया पापा का नाम पूछती है तो जानवी प्रिया का बेटे का नाम बताती है। फिर से प्रिया पूछती है कि उसके पापा को ये सॉन्ग किसने सुनाया। तब जानवी प्रिया का नाम लेती है और कहती है मेरी दादी का नाम आपके नाम से है। तब प्रिया फोन रख कर फौरन एक साइंटिस्ट के पास जाती हैं और बताती हैं कि वो एक लड़की से 2022 से बात करती हैं, ये कैसे पॉसिबल है, और वो लड़की कोई और नहीं मेरी पोती है। तब साइंटिस्ट प्रिया की बातें सुनकर समझ जाते हैं और कहता है साइंस ने बहुत सारे तरक्की की हैं लेकिन कुछ लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो पैरेलल यूनिवर्स से तुम कनेक्ट हुई हो, यानी आने वाले फ्यूचर से प्रिया इतने दिन बात करती थी। दरअसल मूवी के स्टार्टिंग में हम बिजली के तार घर के अंदर प्रवेश करते देखा था, उसी से ही प्रिया पैरेलल यूनिवर्स में कनेक्ट हुई है, जिससे प्रिया अपने फ्यूचर पोती से बात कर रही थी। अब प्रिया बहुत खुश हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं और सीधा अपने बेटे से मिलती हैं और उसे प्यार से गले मिलती हैं। जानवी का कॉल आता है और प्रिया से अपने पापा की शिकायत करती हैं कि उसके पापा ने उसके बॉयफ्रेंड से मिलने से मना किया और उसे रूम के अंदर बंद कर दिया। प्रिया मुस्कुराते हुए जानवी को समझाती हैं और बातों बातों में जानवी को बता देती हैं कि वो उसकी दादी हैं और दोनों पैरेलल यूनिवर्स से कनेक्ट हुए हैं। लेकिन इस बात पर जानवी यकीन नहीं करती हैं और अपने पापा से बात करवाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जानवी के पिता को प्रिया की वॉइस सुनाई नहीं देता है, ना ही प्रिया को। फिर जानवी के पापा जानवी को डांट देता है और कहता है मेरी माँ को लेकर मजाक ना करें और दादी के बारे में जानना है तो डोर में रख के अखबार जरूर देख लेना। उसके बाद जानवी अपनी दादी के पुरानी अखबार से पता लगा लेती हैं और उनकी डायरी लेकर प्रिया को फिर से कॉल में कंफर्म करती हैं। तब प्रिया अपनी लिखी हुई डायरी के शायरी पढ़ लेती हैं, इसमें जानवी को पता चलता है प्रिया सच कह रही थी। दूसरे दिन जानवी परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड से पूरी स्टोरी सुनाती हैं, लेकिन जानवी के बॉयफ्रेंड को यकीन नहीं था, उसकी बात को मजाक में उड़ा देता है। अब प्रिया को जानवी का फिर से कॉल आता है और जानवी प्रिया से कहती है कि तुमने मेरे पापा को छोड़ के क्यों चली गई थी। तब प्रिया जानवी को डांट देती है कि मैंने अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं गई थी। तब जानवी अपने पापा को बुलाकर पूछती है कि दादी आपको छोड़ के क्यों चली गई थी। तब जानवी के पापा प्रिया को कहता है मेरी माँ मुझे बिना बताए कहीं चली गई थी। इधर प्रिया सारी बातें सुन लेती हैं, उसके बाद वो सुन रह जाती हैं और फोन कट कर देती हैं। फिर वो सोचने लगती हैं कि इसका मतलब अगला मिसिंग केस उसका है। उसके बाद प्रिया बिक्की को शक करती हैं जिसे प्रिया ने थप्पड़ मारा था। तुरंत बिक्की के घर जाकर तलाशी लेती हैं तो उसे अपना फोटो दीवार में देख कर घबरा जाती हैं और पुलिस स्टेशन जाके बिक्की के खिलाफ कंप्लेन करती हैं। और उसके बाद पुलिस बिक्की के घर तलाशी करने पर बिक्की को मरा हुआ पाते हैं। फिर जानवी के कॉल दोबारा आता है। प्रिया जानवी को कहती है 1980 के अभिषेक तली गांव में
क्या क्या हुआ था, उस गांव की पूरी डिटेल चाहिए। उसके बाद जानवी अपने बॉयफ्रेंड के ऑफिस जाती है और उस गांव का एड्रेस निकालने की कोशिश करती है। आखिर में उसे एड्रेस मिल जाती है, फिर उसी गांव में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चली जाती है और पुरानी अखबार की दफ्तर से 1980 दिसंबर की सारी अखबार उठा के घर लाती है। फिर जानवी और उसके बॉयफ्रेंड मिलके हर एक अखबार देखने लगते हैं कि कोई सबूत मिल जाए। फाइनली उसे एक सबूत मिल जाती है। एक अखबार पर लिखा था, एक वकील भी मिसिंग होता है। ये बात सुनकर प्रिया जानवी को उस वकील के घर का एड्रेस देती है और पता लगाने को कहती है कि ये रिसेंटली जिंदा है या नहीं। उसके बाद जानवी उस वकील के वहाँ जाके पूछताछ पर पता चलता है वकील जिंदा है और बेंगलोर पर है। ये बात फिर जानवी प्रिया को बताती है। उसके बाद प्रिया और सबूत ढूंढने को कहती है, जिस पर जानवी को और एक अखबार मिलता है जिस पर लिखा था प्रिया 4 दिसंबर को सफेद साड़ी में मिसिंग हुई थी, यानी अब प्रिया मिसिंग होने वाली थी। उसके बाद प्रिया कॉल कट कर देती है और कैलेंडर देखती है, जहां उसे पता चलता है कि आज ही 4 दिसंबर है, यानी वो आज गायब रहेगी। उसने आज ही सफेद साड़ी पहनी थी। प्रिया सोच सोच कर परेशान रहने लगी। फिर पास में सोए हुए बंटी को उठाती है और कमला के घर ठीक ठाक से रहने को कहती हैं और कमला को बुलाकर बंटी को सौंपती हैं और कमला को बंटी को लेकर अपने घर जाने को कहती हैं, बंटी का ख्याल रखने को कहती हैं। फिर प्रिया आखिरी बार बंटी से प्यार से गले मिलती हैं। उसके बाद प्रिया घर पर अकेली उस पल का इंतजार करने लगती हैं और रोने लगती हैं। कुछ समय बीतने के बाद वो मास्क वाला आदमी प्रिया के सामने आ जाता है और प्रिया पर हमला कर देता है, लेकिन प्रिया उसके हमलों से बच जाती है। उसके बाद प्रिया जंगलों में भागने लगती है। मार्क्स वाला आदमी प्रिया का पीछा करते हुए वो भी जंगलों में प्रिया को ढूंढने लगता है और प्रिया मिलने पर उसके ऊपर फिर से हमला कर देता है, जिससे प्रिया को काफी चोट लगती है। उसके बाद प्रिया खुद को बचाते हुए मार्क्स वाला आदमी के ऊपर एक बड़ा लकड़ी से वार कर देती है। उसके बाद प्रिया कमला के घर जैसे तैसे पहुंच जाती है और कमला को बुलाने लगती है। तभी तुरंत कमला प्रिया का मुंह बंद कर उसे साइड में ले जाती है। फिर प्रिया बंटी को पूछने लगती है, तब कमला बंटी सुरक्षित है कहती है और उसे फिर से जंगलों में ले जाने लगती है। कमला प्रिया के पीछे से सर पर वार कर देती है और प्रिया बेहोश हो जाती है। इसका मतलब प्रिया का नौकरानी कमला भी उस मार्क्स वाला से मिली हुई है। अब बेहोशी के हालत में प्रिया का हाथ पैर बंधे एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जहां बंटी को भी बांध कर रखे हुए थे। वहां पर दूसरा नौकर सुभाष को भी देखते हैं, यानी ये सारा मिसिंग खेल कमला और सुभाष का था। इन दोनों ने ही अंधविश्वास के चलते लोगों का बलि देते थे। अब प्रिया को होश आता है, वो सुभाष को देख होश उड़ जाता है। तांत्रिक सुभाष को बलि देने को कहता है, तब सुभाष प्रिया का गला काटने वाला था कि प्रिया नीचे झुक जाती है और कमला का ही गला कट जाता है। उसके बाद प्रिया बंटी को लेकर घर पहुंच जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जानवी को देखते हैं, जैसे उसने सपना देखा हो और घबरा कर नींद से उड़ जाती है। फिर जानवी परेशान होकर प्रिया को ढूंढने लगती है। फाइनली प्रिया को अपने घर पाती है, लेकिन तब तक प्रिया पूरी हो चुकी थी। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा। इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन तो नहीं हुई होगी, लेकिन आई होप आप लोगों को पसंद जरूर आया होगा। धन्यवाद।